रोना रहे रोना आता है ना क्यों बेटी बिदा होती तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब बात कुछ ऐसे कि अभी बज रहे 1:33 दोपहर के एंड अब भी मैंने नाश्ता वगैरह किया है। मम्मी पका रहे आलू के पराठे एंड हमने अभी जो है नई वाली वीडियो जो है अब भी लाइव कर दिए, तो तुम लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। डेली अभी वीडियो आ रही है पिछले 2 दिनों से। तो चलो अभी मैं तुम लोगों को किचन में लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि क्या पक रहे हैं आलू के पराठे। तो दादी की आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो दादी अभी उठे ना, चक्कर आ रही थी ना थोड़ी, एंड दादी भी खा रहे आलू के पराठे यहाँ पे। एंड मम्मी यहाँ पे देखो तुम लोग आलू के पराठे बन रहे। ये क्या बना रहे हो? आलू का पराठा। तो ये ऐसा रोल करके बनाया जाता है? जाता है। अच्छा, फिर उसको बेलते भी वैसे ही है? अच्छा, मेरे को लगा था कि डबल रोटी करके, डबल में टेस्ट नहीं आता नहीं। तो देखो आलू के पराठे कुछ इस तरीके से बनते हैं, तुमने को पता होगा जो जो आलू के पराठे बनाते हैं एंड खाते। मुझे खाली चाय बनानी आ जाए तो वही बड़ी बात है। मैं चाय बनाता हूँ, वैसे चाय बनाता हूँ, मम्मी गाइड करते ना क्या, डेढ़ चम्मच ये दाल, डेढ़ चम्मच पत्ती दाल, ये वो। तो रात में हाँ बनाते हैं। तो देखो ये बन रहे भाई साहब आलू के पराठे फ्राई पैन पे। क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी से दे दो, मेरे को गरम गरम भूख लगी है। और तबीयत कैसी है मम्मी तुम्हारी? कल अब्बा ने फ़ोन करके बोले कि मम्मी की जो है डायबिटीज़ की दवा ख़त्म हो गई, तो लेके आ जाना। और तुमको मैंने पूछा था, तुम बोले क्या मत लेके आ, क्यों ऐसा? काम पे से थके कल ला रहे हैं। अरे तो दवा इंपॉर्टेंट है ना, काम पे से छुटे तो क्या हुआ। तुमने फिर अब्बा ने फिर फ़ोन करके नाम बताया फटाफट से, मैंने मेडिकल से लिया एंड जाके दिया। तो दवा मैं बोली थी कल मंगाना। गाइस अभी मम्मी को बताओ कि दवा में गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना, डायबिटीज़ और हार्ट जिसको भी है उन लोग जानते होंगे कि भाई दवा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और डॉक्टर ने भी बोला था, और मम्मी भी अभी चेकअप वगैरह करने के लिए जाने के लिए हमेशा मना करते हैं, नहीं 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 नहीं। मैंने कितना बोला, अभी आज भी छुट्टी थी तो मैं सोच रहा था, मेरे माइंड में आया कि मैं बोलूँ, फिर तुम मना ही कर दोगे। अभी जबरदस्ती ना लास्ट टाइम, अभी जब नेक्स्ट दूर आ गया मलाड़ में, छुट्टी का एक दिन रहता आराम करने का। अरे तो क्या हुआ, आराम तो लाइफ टाइम करना ही है ना। दवा तो लेते रहेंगे, दवा नहीं लेते रहेंगे, आराम करते रहेंगे, दवा इम्पोर्टेंट है। तो चलो अभी जाते हैं आलू का पराठा वगैरह खाते हैं। अजीजा का भारी वैसे, अजीजा चाचा इन लोग, चाचा की तबीयत अच्छी है, जब आएंगे अलीजा इन लोग। तो उन्होंने डॉक्टर को बता दिए ना, अभी तो इलाज चालू है ना उनका। एंड गाइस सुनने को पता होगा कि अजीजा वगैरह जो है गांव चले गए हैं, अजीजा जो गांव गए थे एंड चाचा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद चाचा ने भी क्या किया कि भाई ट्रेन पकड़ के जो है रात की गांव चले गए, बोले मैं वहाँ से ही दवा ले लूँगा। वैसे मुंबई में भी बहुत लोग हैं, बट चाचा कैसे, चाचा ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड किए, तो उनको वहाँ का जो गाँव का नेचर वगैरह है तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो एक और पराठा आ गया, अभी शुरुआत तो करने दो। एंड तो गाइस बात ऐसी है ना, क्या अभी चाचा उन लोग आ जाएंगे तो अजीजा भी आ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय होगा। एंड डोरेमोन तुम लोग को लग रहा होगा कि अजीजा देख रही है, ऐसा नहीं है, मेरी बड़ी वैसे बट उसके अंदर अभी वो बचपन है। तो गाइस ये पराठा जो है हम लोग डोरेमोन देखते देखते अभी ख़त्म करते हैं एंड पराठा ख़त्म करके मिलते हैं। गाय हमसे नाराज रहना, सजाए हम दे नहीं, ठंड है, लग रहा है तुमको बुखार, तो आराम करो ना। जेडे हम पकड़ो क्या, कौन सी है ये? भाई बात कुछ ऐसी है कि अपन अभी जाने वाले मार्केट एंड दादी अकेले रह गए, तो उसके लिए मैं जो है महफूज के घर पे तुमको छोड़ के जा रहा हूँ ऊपर, एंड महफूज हमारे रिलेटिव ही हैं। बैठे ना उनके वहाँ, जाते ना तुम कुर्सी आप आ गया पहले से, अभी गए थे ये हफ्ते में। अच्छा अरे ऊपर आ रही तो आ गई जी, आ जाओ। दादी को जो है छोड़ दिए हमने, वो वहाँ पे बैठेंगे, तब तक हम लोग मार्केट जाके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग अकेले छोड़ नहीं सकते उनको, हम लोग अकेले कभी छोड़ते नहीं हैं। अभी बज रहे 4:43 एंड हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं स्टेशन के साइड पे, क्योंकि कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है। मम्मी और सिस्टर दोनों साथ में एंड मैं भी हूँ, तो देखते हैं क्या चीज़ खरीदते हैं। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद देखेंगे, कुछ कपड़े वगैरह भी लेने के हैं एंड घर का कुछ बाजार का भी आइटम लेना है। क्या देना, क्या जाके देखेंगे वहाँ जो अच्छा लगेगा लेंगे। हाँ घर देना ना,
टावर में घर टावर में क्यों नहीं होता, मतलब झोपड़ा क्यों नहीं होता, बट खुद का अपना पर्सनल मेहनत की कमाई से देना एक दिन इंशाल्लाह। वैसे आज तो बाइक भी नहीं दी जा रही क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ यार मैं, बट कोई नहीं आगे टाइम आएगा क्या बोलते हैं, हर चीज़ का एक सही समय होता है और अगर जल्दी मिल जाए ना तो उसकी कदर नहीं होती, बट स्ट्रगल करके मेहनत करके जो चीज़ मिलती ना तो उसकी कदर हमेशा होती है। हाँ चलेगा। फाइनली अपन पहुँच चुके हैं यहाँ पे नटराज मार्केट। तो नटराज मार्केट ये जेन से स्टार्ट होती है, मम्मी लोग आगे चल रहे हैं एंड उन लोग सब चीज़ें देखेंगे। भाई नटराज मार्केट में फर्स्ट टाइम विजिट किए थे एंड ये जो मार्केट है इसमें भी अपन फर्स्ट टाइम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे जो ये चीज़ें देख रहे हैं किधर मेंस मिलते हैं किधर लेडीज मिलते हैं, तो लेडीज मार्केट घूमने के बाद अपन जाने थे मेंस मार्केट। भाई अभी जा रहे हैं मेंस वेयर में, थोड़े मेरे कपड़े वगैरह भी देख लेते हैं। कितने कितने के हैं, दो दे दो ना, खराब नहीं होगा ना फ्रिज में, अंकल भी बोल रहे हैं खराब नहीं होगा। बात ऐसी है कि मार्केट में गर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भी अभी ऑफिस छूटने का टाइम है तो मजार स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है और भीड़ हो जाती है। अभी देखते हैं, कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने खरीदी है और थोड़ा बहुत बाजार वगैरह खरीद के एंड घर पे चले जाएंगे। फाइनली हम लोग जो है घर पे पहुंच चुके हैं एंड रात के अभी जो है 12:15 हो रहे हैं एंड हम लोग देख रहे हैं सबा इब्राहिम का व्लॉग। अरे ये सबा इब्राहिम का हस्बैंड, हाँ देखो मम्मी इमोशनल हो गए सबा इब्राहिम का व्लॉग देख के। रोना रे क्यों बेटी बिदा होती फिर रो रहे मम्मी अभी हंस रही है। मम्मी डैडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए ब्लॉग देख के, बिकॉज लाइक फील होता है यार लाइक अपने घर में भी शादी है और ये सारी चीज़ें लड़की विदा होती है तो कैसा फील होता है, तो मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए देख के। तो बस यार आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर तुम लोग का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट करो एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे अमेजिंग कॉन्टेंट तुम लोग को मिलते रहेंगे एंड बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। अभी डेली ब्लॉग चालू किया, थोड़ा बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड बना रहा हूँ, लाइक टाइम नहीं मिलता फिर भी टाइम निकाल के चीज़ें कर रहा हूँ एडजस्ट कैसा भी करके। मिलते हैं नहीं और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तो जब तक के लिए बाय।